400 पार कहाँ से लाएंगे, 40 की भी हालत खराब है। ये कुछ नहीं कर सकता केवल जुमलों के सिवा। और अब मोदी जी का जो जादू था वो खत्म हो गया है। जो मोदी जी का दिखावा था, जो मोदी जी के जुमले थे, वो लोगों के सामने आ चुके हैं। आज उनके भाषणों में अगर आप देखें तो वो अपने कामों के अलावा, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। आपने कहावत तो सुनी होगी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमित शाह जी का हाल बहुत चुका है। मोदी जी हर बार ही कुछ ना कुछ नया कुछ लेकर आ जाते हैं। कभी राम मंदिर बनवा दिया, कभी मंगलसूत्र की बातें करते हैं, ऐसी बौखलाई सी बेतुकी बातें करते हैं। और कोई भी बीजेपी वाला मेरे सामने डिबेट करवा दो, राम रहीम और मंदिर मस्जिद को छोड़कर डिबेट कर ले मेरे साथ, बड़े से बड़ा। भारत की जनता पूरे अच्छे तरीके से समझ चुकी है और इस बार इनको 400 बार का रास्ता दिखाएगी। अगर हम फिरी की रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल जी, तो दिल्ली में सबसे कम कर्जा कैसे आप। में 4 बजे का प्रोग्राम था और ठीक शाम को 6 बजे यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। आप पोस्टर तो हम देख रहे हैं। मैम क्या कहेंगी, केजरीवाल छूट गए हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है, मुझे ही नहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की पूरी जनता को और देश की जनता को, क्योंकि ये जो इलेक्शन है सब चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते और अरविंद केजरीवाल जी के आने से सब में उत्साह है। सब बहुत उत्साह के साथ, अब पहले भी बहुत अच्छे से लड़ रहे थे लेकिन हम और उत्साह से लड़ेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है। केजरीवाल ने आज जेल से छूटने के बाद जब उन्हें जमानत मिली तो उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ की जनता से मैं आशीर्वाद मांगता हूं, भीख मांगता हूं कि देश को बचाने के लिए मतदान करें। देखिए, पहली बात तो हमारे मोदी जी को ये पता होना चाहिए कि जब मतदान होता है तो 100% की 100% जनता उनके साथ तो जा नहीं सकती। ये तो पहले ही झूठ बोल देते हैं प्रधानमंत्री जी की 100% जनता उनके साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बाकी पार्टियों के एक भी समर्थक है तो 100% जनता तो उनके साथ हो नहीं सकती। और अब मोदी जी का जो जादू था वो खत्म हो गया है। जो मोदी जी का दिखावा था, जो मोदी जी के जुमले थे, वो लोगों के सामने आ चुके हैं। अब लोग मोदी जी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे किए 10 साल के अंदर एक भी पूरा नहीं किया। आज उनके भाषणों में अगर आप देखें तो वो अपने कामों के अलावा, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है उनके पास, वो एक भी अपना काम नहीं गिना सकते। जबकि अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात करें तो मैं यहाँ पर भी अगर मुझे आधा घंटे से ज्यादा लग जाएगा सिर्फ काम गिनवाने के लिए। वो भी तो कह रहे हैं कि हमने उज्ज्वला गैस योजना दी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बताओ 5 किलो का राशन 1100 के सिलेंडर पे कैसे बनाएगा कोई? और जब भी उनके देखे जितने भी नेता जाते हैं किसी का घर खाना खाने तो चूल्हे पे खा रहे होते हैं, वो गैस पे बना हुआ खाना क्यों नहीं खाते? चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की और किस तरह से यहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है और ठीक 6 बजे जो है यहाँ अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। यहाँ एक भाई साहब है, सर क्या कहेंगे? सर केजरीवाल छूट गए हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हुआ है, ईमानदार है केजरीवाल जी, और अब हम जो है जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब वोट से देंगे। मोदी सरकार कह रही है भ्रष्टाचार पे वार, मोदी सरकार टोटल भ्रष्टाचार है। इन्होंने करा क्या आज तक सिवाय भ्रष्टाचार के? केजरीवाल जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीजों को बस फ्री, और क्या चाहिए पब्लिक को? तो क्या फ्री की रेवड़ी बांट के सिर्फ चुनाव जीतना है? पब्लिक सेवा कैसे करते हैं? एक घर को अगर कोई बिजली का बिल 1000 रुपए का बचा रहा है तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं केजरीवाल जी? आप बताओ पब्लिक सेवा क्या होती है? अगर महिलाओं को बस का किराया फ्री कर दिया तो क्या गलत कर दिया? लेकिन सरकार कैसे चलेगी? सरकार पे कर्ज है ना? आज भी सारे राज्यों से ज्यादा बजट दिल्ली का है, सबसे कम कर्जा दिल्ली पे सारे स्टेटों में। अगर हम फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल जी, तो दिल्ली पे सबसे कम कर्जा कैसे, आप ये बता दो। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की और भी भाई साहब आप क्या कहेंगे? 3 चरणों का मतदान हो चुका है, 4 चरण बाकी है। भाई मुझे ये बता, चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की, अच्छा लगा। यहाँ हम धीरे धीरे है जो हम स्टेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश और उमंग देखने को बनता है। महिला से लेके युवा सभी लोग इस भीड़ में शामिल हैं और अब जो है धूप भी ढल चुकी है, शाम के 6 बजने वाले हैं। मुख्यमंत्री जो है पंजाब के भगवंत मान, वो भी आ रहे हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ पे है केजरीवाल पहुँचने वाले हैं। भाई साहब से हम बात करते हैं, सर क्या कहेंगे, 4 चरणों का मतदान बाकी है, केजरीवाल बाहर आ गए हैं। 4 चरणों के मैदान में बीजेपी को अपनी असलियत पता चल चुकी है। वो जो 400 पार का नारा लगा रहे थे वो 400 बाहर का नारा लगता दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि हम 400 की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमित शाह जी का हाल बहुत चुका है, पूरा दक्षिण भारत, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब यूपी आधा उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बुखलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है कि सीटें जो है वो 400 बाहर हो रही है और अब उनको अपनी जमीन दिखाई देनी शुरू हो गई है। और रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल तो उनके लिए वो चीज है
जो ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। छोड़े दो मरे पकड़े, दो मरे पकड़ने से और ज्यादा मरे। पूरी दिल्ली ने उनका इतना जबरदस्त साथ दे दिया कि जेल का जवाब वोट से, अगर वो उनको अंदर रखते तो वोटिंग होती 90%, अब उनको बाहर कर दिया तो शायद हो सकता है कि 80% हो जाए। पिछला चुनाव जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ा गया और मोदी जी ने सरकार बनाई थी, और इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो जनता किसके साथ है? जनता उसके साथ है जो जनता के पेट की बात करता है, जनता के विकास की बात करता है, ना कि मंदिर मस्जिद ये हिंदू मुस्लिम इनसे पेट भरने वाला है किसी का। एक केजरीवाल जी हैं जो विकास पुरुष हैं, जो सिर्फ पानी बिजली हॉस्पिटल और शिक्षा की बात करते हैं, जो कि एक आदमी के लिए भौतिक जिसकी जो मतलब जमीनी स्तर पर जो चाहिए एक आदमी को क्या चाहिए, चार चीज़ें। केजरीवाल जी सिर्फ इन चार चीज़ों को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, उनको मंदिर मस्जिद राम रहीम से कोई लेना देना नहीं है। कभी आपने उनके भाषण में सुना है? और कोई भी बीजेपी वाला मेरे सामने डिबेट करवा दो, राम रहीम और मंदिर मस्जिद को छोड़कर डिबेट कर ले मेरे साथ बड़े से बड़ा। उनका कहना पिछले 10 साल में हमने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए योजना हो, युवाओं के लिए हमने रोजगार लाए हैं, और मतलब देश का जो है विश्व में डंका बज रहा है, उनके भाषणों में आप सुन रहे होंगे। उनका काम इस प्रकार से है कि एक बंदर को एक बार किसी ने राजा बना दिया, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़, तीसरे से चौथा पेड़। सबने पूछा कि क्या कर रहे हो? कह रहे मैं मेहनत कर तो रहा हूँ मगर मेहनत का नतीजा तो दिखाए। कहाँ पर है मेहनत का नतीजा? आज गरीब आदमी के हाथ में क्या है, क्या प्रॉपर्टियों का क्या हाल है, सोना कहाँ पर जा रहा है, डॉलर कहाँ पर जा रहा है, सारी चीजें 15 लाख रुपया अकाउंट में डालने से लेकर 5 किलो अनाज तक आ गया। 5 किलो अनाज आप सोचिए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मतलब साफ है कि हमारी पूरी भारत की जनता जो है वो भुखमरी के कगार पर आ चुकी है। 5 किलो अनाज का मीनिंग तो यही है। एक आखिरी सवाल, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जो है दिल्ली की 7 सीट पे भाजपा ने जीत दर्ज की है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से अपनी शुरुआत की और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, भाजपा कह रही है कि तीसरी बार 7 की 7 सीट हम यहाँ जीतेंगे और केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम जीते, क्या लग रहा है? देखो जी, कोई भी मूर्ख एक बार बनता है, 2 बार बनता है, पर तीसरी बार नहीं बनेगा। मोदी जी हर बार ही कुछ ना कुछ नया कुछ लेकर आ जाते हैं, कभी पुलवामा कांड, कभी राम मंदिर बनवा दिया, चाहे अधूरा ही सही, मंदिर भी पूरा नहीं बना, ऊपर टेंट लगवा के उन्होंने पेंट करवा दिया, मंदिर बन गया। पर कुछ ना कुछ हर बार वो ऐसी चीजें ले आते हैं, कभी मंगलसूत्र की बातें करते हैं, ऐसी बौखलाई सी बेतु की बातें करते हैं। भारत की जनता पूरे अच्छे तरीके से समझ चुकी है और इस बार इनको 400 बाहर का रास्ता दिखाएगी। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है धीरे धीरे मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसी मंच से ठीक शाम को 6 बजे जो है केजरीवाल यहाँ से अपना भाषण देंगे, जिस तरह से उन्होंने ITO कार्यालय पे दिया था। मेहरौली से जो सभा है ये रोड शो उनका कृष्णा नगर की ओर आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरह से जो है कार्यकर्ताओं में जोश बना हुआ है, देख रहे हैं कि पूरे जो है महिला जो है हम देख रहे हैं काफी सारे युवा भी है, बहुत सारे लोग जो है उनके आम आदमी पार्टी यहाँ हम कुछ लोगों केजरीवाल ने निभाई जिम्मेदारी, अब है हमारी बारी, तो हम यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मंच पे हम आते हैं, सर क्या कहेंगे, 3 चरणों का मतदान हो गया है और केजरीवाल भी बाहर आ गए, हम जीत रहे हैं, उत्साह बढ़ गया है, दुगुना दुगुना वोट जीत रहे हैं। भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि 2 बार हमने 7 की 7 सीट जीती है, इस बार भी हमारी है। सबका सुपड़ा साफ होगा, कोई नहीं आएगा, सबसे बड़ा शिक्षा है, शिक्षा में बहुत बड़ी बदलाव है, अब की बार गठबंधन का सरकार बन रहा है, नार 300 पार। सर क्या कहेंगे आप जो है यहाँ पे आए हुए हैं, केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं, क्या कहेंगे? जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया। जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, आम आदमी पार्टी के कार्यालय, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है किस प्रकार से जो है जोश में है, यहाँ एक भाई है हम उनसे बात करेंगे। सर केजरीवाल बाहर आ गए हैं, 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है देश में, तो हालांकि भाजपा कह रही है कि 400 पार। 400 पार कहां से लाएंगे, इनके तो 40 की भी हालत खराब है भाई, अगर इतने बढ़िया थे तो इन्होंने अपने 6 सांसदों में टिकट क्यों काटे, ये तो बताइए।
इसे कोई पूछने वाला हो काम अगर किया हो जब तो जनता वोट देगी। ऐसे विपक्ष को जेल में डालने से वोट नहीं मिलता। जनता समझदार है और इस बार इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। मोदी जी ने अभी अभी इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में कहा है कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि जिससे भ्रष्टाचारियों ने जो भ्रष्टाचार के द्वारा धन कमाया है हम उसे वापस लेंगे। 10 साल में तो आज तक ये ला नहीं पाए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी गुजरात का आदमी है। जो भी देखे धन भागा वो गुजरात का ही क्यों है आप बताओ ना। ये गुजराती कभी भी धन नहीं ला सकता। केवल जुमलेबाज है। 15 लाख रुपए भी लेके आ गए लोगों के। जो विदेश से काला धन लाना था वो भी ले आया 10 साल में। आज तक एक रुपया नहीं ला पाया। ये कुछ नहीं कर सकता केवल जुमले के सिवाय। मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ जो जनता है वो उनका परिवार है। 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ ही कह रहे हैं और वो आशीर्वाद मांगे उन्होंने जो है। भाई जो अपनी बीवी का नहीं हो सका वो दूसरे के परिवार की क्या वैल्यू समझेगा। और जिसकी बीवी बहन जिसकी बहन छुटती है ना उसके पिताजी से पूछो उसके भाई से पूछो कि उन्हें जीवन अपनी बहन को देख के कैसे काटा। ये कह रहा मेरा परिवार। अगर मोदी जी अच्छे होते तो उनके घर भी बच्चे होते। चलिए ठीक है हमने बात की और इन्होंने कहा कि मोदी जी अच्छे तो उनके बच्चे होते हैं। यहाँ पे ये उनके बात है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग बात जो है आप देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में जो है लोग यहाँ मौजूद हैं। तो क्या है आपकी राय आपकी रेकमेंडेशन जरूरत है।